मैं चाहती हूँ कि रोहन अपना 23वां जन्मदिन अपनी पत्नी के साथ मनाए। सासू माँ, आपने बोला समझो सारा काम हो गया। देवजी, आप दूल्हे राजा बनकर बहुत खूबसूरत लगेंगे। बोलो भला, क्या हो गया देवजी? आप इतने उदास क्यों हो गए? क्या हुआ रोहन, मेरे फैसले से खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी की बात नहीं। मैं जानती हूँ तूने लड़की को नहीं देखा, तू उससे नहीं मिला, लेकिन लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, तुझे पसंद आएगी, मेरा यकीन कर। अब आपने चुना है तो अच्छी होगी, जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। अच्छा, मुझे पंडित जी से मुहूर्त के बारे में कोई बात करनी है, मैं चलती हूँ। चलना। अरे मुंह तो मीठा कर लो, बाद में खा लूंगा। चलना चल चल। रोहन तू कहाँ जा रहा है? क्या हो गया तुझे? क्या हो गया मुझे? अबे तुझे क्या हो गया? तू वहां क्या कर रहा था? हाँ, तू मुझे बधाइयां दे रहा है जैसे शादी मेरी नहीं तेरी हो रही। अरे मैं तो सिर्फ तेरी खुशी में शामिल हो रहा था। अरे कैसी खुशी, कौन सी खुशी यार? लिसन गुड, मैं किसी गांव के गवारन से शादी नहीं करने वाला, दैट्स फाइनल। रोहन सिर्फ वो लड़की गांव से है इसलिए तू। इसलिए क्या? तू क्या क्या बोल क्या रहा है? तुझे पता वो लड़की कैसी होगी? आई विल टेल यू कैसी होगी। वो गोबर से अपना आंगन लीपती होगी, वो भैंस को चारा खिलाकर एल्युमिनियम की बाल्टी में दूध निकालती होगी, और तो और आई एम वेरी श्योर उसके सर में चमेली का तेल होगा। थिंग्स नो वे। रोहन रोहन तू कितना फिल्मी हो रहा है यार। फिल्मी हो रहा हूं मैं? हाँ, ये जो शादी करने का जो तरीका है ये फिल्मी, ये ओल्ड फैशन नहीं है कि आप बात करते हैं। जब तुझे बड़ी माँ ने तस्वीरें दिखाई थी तब तूने कोई लड़की नहीं चुनी। अब तेरे पास कोई चारा नहीं, सॉरी बॉस। तो चारा ढूंढो, कुछ करो, कुछ भी करो, इधर कुआं उधर खाई, मैं जाऊं तो कहां जाऊं यार। रोहन तू ही तो कहता था ना कि तुझे बड़ी माँ पे बहुत भरोसा है, और वैसे भी वो तुझसे बहुत प्यार करती, और तुझे क्या लगता है उन्होंने कोई ऐसी वैसी लड़की चुनी होगी? लड़की बहुत अच्छी होगी, लाखों में एक होगी, लिख के दे सकता हूं मैं। अच्छा, कॉन्फिडेंट? हाँ हूं। वेरी गुड, तो तू उससे शादी कर ले एंड आई डोंट माइंड। कर कर, मैं जा रहा हूं, तू कर ले, तू कर ले, आई डोंट माइंड। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अबे तू पागल हो गया क्या? सुन तो ले। क्या सुन सुन सुन, मुसीबत में मैं हूं, तू मेरी सुन। कहीं भी जा, कुछ भी कर, लेकिन इस मुसीबत का हल तू निकाल, हल ढूंढ, ओके? क्योंकि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ओके? अरे पर रोहन, टेक योर टाइम, हल ढूंढ, हल। नया है तो क्या हुआ? शहर के बंदा ब्यूटी पार्लर में काम करके सीखा है चकोरी ने ये सब। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि मेरा चेहरा ना सबसे सुंदर लगना चाहिए, मुझे ना युवक युवती परिचय सम्मेलन में तुम्हें सबसे सुंदर दिखना है। पता है चंदा, तू चांद जैसी चमकेगी वहाँ पर, चकोरी की गारंटी है ये। गारंटी तो मैं भी लेती इस ब्यूटी क्रीम की। अरे 300 रुपए में एक मिलती है बाजार से, लेकिन हम कंपनी के साथ मिलके ना इसको 180 रुपए में एक दे रहे हैं, और एक के साथ एक फ्री। और तुम्हें फायदा कितने का हुआ? पूरे 210 रुपए का, है ना? बहुत बढ़िया है, पूछ लो इनसे। ये कैसा है? बहुत अच्छा है, ले लो, फायदे में रहोगी। ठीक है, मुझे 2 दे देना। चंदा मुंह धो लो। अम्मा चुप कर। और तू कहाँ हंस रहे हो?
मोरी छोरी रो रही है, दिखाई ना दे रहा तुमको? इन लोग को हंसने से फुर्सत ना है। और तू का जरूरत तू चाकोरी के यहाँ जाने की? भगवान ने इतनी अच्छी भली सूरत दी है और का चाहिए तो कोरे? मुझे क्या पता था किसकी लगाई हुई क्रीम से मेरा चेहरा ऐसा हो जाएगा। दिखा अभी चेहरा लेकर कैसे जावेगी तू परिचय सम्मेलन में? हाँ चल मैं तुझे लेप लगा लेती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तू तो बस रहने दे समझी, तोरे लेप से चेहरा और खराब हो जाएगा तो कछु न कर पाऊंगी। नहीं माँ, गुरुकुल में आयुर्वेद में मैंने पढ़ा है उस लेप से चेहरे को ठंडक मिलती है और इसके दाग ना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आजा सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा रुक। अरे बिटिया कह रही है तो कोशिश तो करने दो उनको। और कोई चारा है तेरे पास? नहीं है ना, ऐसा सड़ा हुआ मुंह लेके जाएगी वो परिचय सम्मेलन माँ? अच्छा ठीक है लेके जा, 3 बजे से परिचय सम्मेलन है, तब तक ठीक कर दे जा। ठीक है माँ आ मेरे साथ। अरे ओ शांति। हाँ हाँ आ रही हूँ रुको। चंदा का चेहरा ठीक नहीं होने वाला। अब तुझे लगा लेती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा लग रहा है? लो बहना आ गई। चंदा का है? आ बहना ने तो सच में चमत्कार कर दिया। देखा मोरी बिटिया है ही गुण वाली। अब बातें ही करते रहोगे या चलोगे भी? चलो चलो जल्दी करो। अरे छेनाराम जी कैसे हो, कैसे हो? आइए आइए चलो। बाबा अब यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा भरनो है ना? वो तो मैंने कब का भर दिया। भर दिया? गाज गिरे तो को कुछ पता रहता है? अरे छेनो किधर जा रहा है? बाबा मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तेरी बहन के ब्याह से ज्यादा तोरा काम जरूरी है का? चल जा, जाके ढूंढ तोरी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का है कि नहीं। उधर ही तो मैं जा रहा था ना। तो जाना। अच्छा यहाँ जो कुछ भी कैंटीन में मिलेगा सिर्फ वही है, क्योंकि बाकी यहाँ कुछ खाने पीने के लिए है भी नहीं है। अच्छा तो रुक मैं आती हूँ। एक मिनट। अच्छा फिर जल्दी से आना। हाँ थी। मुझे तो लग रहा है आज मुरी चंदा का ब्याह तय हो ही जाएगा। कुछ खाएगी? हाँ ठीक है। बेटी की शादी करवानी है। इनका लाइन है ना? शादी करवानी है ना बेटी? हाँ हाँ। बेटी की शादी करवानी है तो फोटो पे वजन रखो। वजन? वजन देखना, आपकी बिटिया की फोटो सबसे ऊपर रखवा दूंगा गट्ठर में। सब लड़के वाले फिर उसे ही देखेंगे। हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे खड़ा था? माँ बाबा मैं सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। एक इसे पकड़िया। अरे मंताराम आप ही की बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए।
बधाई हो भैया, 7 लोगों ने तुम्हारी बिटिया के लिए बात की है। अरे भैया तुम तो नाम लिखवाना भी भूल गए थे। मुरी चंदा ने तो आप ही नाम लिखवाया था बहुत पहले ही। नाम तो लिखवाया था लेकिन वो तो चंदा का। अरे तो आप किसकी बात कर रहे थे? राधिका की। अरे भैया 7 लोगों ने तुम्हारी बिटिया के लिए बात की है। किसकी बात कर रहे थे? राधिका की। अरे भाई 7 लोगों ने पूछा उसके बारे में। चंदा के लिए भी मेरे पास बहुत बढ़िया रिश्ता है। क्षमा करना भैया, हम यहाँ केवल चंदा के लिए आए। राधिका का ब्याह हम नहीं करना चाहते अभी। क्यों? कहा है कि राधिका ब्राह्मण की बेटी है और उसका ब्याह ब्राह्मण छोरे से ही होगा। अच्छा तो ब्राह्मण परिवार में करेंगे। अरे भाइयों, अरे सुनो सुनो, अरे भाई हम चुलाहों के लड़कों में कांटे लगे हैं, इनसे पूछिए। ये देखिए अपनी लड़की का ब्याह ब्राह्मण की छोरी में करेंगे। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। सुन लो मंसाराम, राधिका होगी ब्राह्मण परिवार से पर पली बड़ी तुम्हारे घर में है। कोई भी ब्राह्मण परिवार इसे अपनी बहू नहीं बनाएगा और झक मार के तुम्हें हमारे ही समाज में रिश्ता करना पड़ेगा। अगर आज तुमने इनकार किया तो देख लेना बहुत परेशानी होगी तुम्हें। क्यों भाइयों, सही कहा ना मैंने? अरे बिल्कुल सही है भाई। हाँ सही है, लाइन से बात है भाई। है भाई साहब, आप राधिका के ब्याह की फिक्र ना करें। आप हमें चंदा के लिए रिश्ता बताइए। हम तो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे आपकी बेटी चंदा के लिए, पर जिस परिवार को अपने समाज की इज्जत ही ना हो, हमें उस घर से, उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं करना। अरे हम भी इसे यही समझा रहे हैं। देखो अगर आज तुमने राधिका के लिए रिश्ता ठुकराया तो आगे चंदा के लिए भी तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलेगा। क्यों भाइयों? हाँ सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे। देखिए भाई साहब, इनके भाग में अगर वर लिखो है तो जरूर मिलेगा। छीनू की माँ घर चलो। राजगिरी भराई गई होगा, माफी मांग लो। मोरी चंदा का बिल कहीं तोड़ रहे हो? घर जाके बात करेंगे, चलो घर। राधिका चल, चंदा चलो। क्षमा भाई साहब, क्षमा। शांति ना।
जब मनसाराम जुलाए को घर गई है का? हाँ हाँ आइए आइए, मैं हूँ मनसाराम। राजक्रोताई ने तुम्हें मथुरा बुलाया है। अचानक क्या मालूम, मालकिन ने कही कि वहां भुला के लाओ तो भुला के लाओ। चलो जान गया हूं मुझसे क्या गलती हुई, पता नहीं तुमसे कब मिलना होगा, पर मुझे यकीन है कि भगवान मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका जरूर देंगे। तुमसे मिलते ही पहले मैं तुम्हें बिना पूछे रंग लगाने की माफी मांगू, और तुम्हें अपने दिल का हाल बताने से पहले तुम्हारा दोस्त बनूंगा। बस एक ही डर है, इस सब में कहीं देर ना हो जाए। आप यहीं पे रुकना, राजप्रोताइन जी आ रही है। कैसे हो मनसाराम? प्रणाम राजपुरोहितन जी। बैठो मनसाराम। अरे वहां नहीं, यहां बैठो। हम ठीक है राजपुरोहितन जी, आपने कल मोको और मेरी बिटिया को क्षमा कर दिए थे ना, फिर आज? मनसाराम, मैंने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। एक लंबे अरसे से मैं इस घर के छोटे पोते रोहन के लिए एक ब्राह्मण लड़की ढूंढ रही थी, मुझे वो लड़की मिल गई है, तुम्हारी मानी हुई बेटी राधिका। जैसी ब्राह्मण लड़की मुझे रोहन के लिए चाहिए थी, उसी लड़की को मैं इस घर की छोटी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा ना कि तुम्हारे घर में पली लड़की इतने बड़े घर की बहू बन सकती है? लेकिन विश्वास कर लो, जो तुम सुन रहे हो वो सच है। मैं तुम्हारी मानी हुई बेटी राधिका को इस घर की क्षमा करना राजपुरोहितन जी, हम राधिका का ब्याह नहीं कर सकते। आपका ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं,